कोई भी महापुरुष ऐसे ही महापुरुष नहीं बन जाता, पहले पुरुष होता है उसके बाद महापुरुष हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी अकेले ही जीवित रखता है, अपने जीवन जीने के लिए काम करता है, अपना परिवार का पालन पोषण करता है, तो मात्र वो पुरुष रहता है। अगर कोई भी पुरुष कोई ऐसा महान काम करता है जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को उद्धार कर देता है, वो महापुरुष कहलाता है। तो इसलिए महापुरुष की व्याख्या में साधारण आदमी को नहीं रखा जा सकता। लोग ऐसे ही कह देते हैं महापुरुष, महापुरुष त्याग बलिदान का एक प्रतीक होता है। पेरियार रामास्वामी जी उस समय कांग्रेस कमेटी में थे और कांग्रेस में थे और कांग्रेस के अंदर उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह पैदा किया और विद्रोह का मूल कारण था कि वो चाहते थे कि कांग्रेस में भी सभी के प्रति समानता हो, सभी के प्रति बराबरी हो। लेकिन उस समय की कांग्रेस कमेटी में गैर बराबरी को मान्यता देने वाले लोगों की भरमार थी। एक बार इन्हें भेजा जाता है एक कमेटी के माध्यम से, तो वो जाते हैं साथियों मद्रास के एक हॉस्टल में जाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। वो गवर्नमेंट हॉस्टल में जब जाते हैं तो देखा कि किचन में अलग अलग किचन की व्यवस्था है, एक तरफ सवर्ण लोगों का खाना बन रहा है, एक तरफ एससी एसटी ओबीसी के लोगों का खाना बन रहा है। तो उन्होंने उस समय हॉस्टल के अधीक्षक को पूछा कि ऐसा क्यों है, इसका बजट कहां से आता है? तो कहा गया कि इसका बजट सरकार से आता है। तो जब सरकार के बजट से खाना बनता है तो सभी को राइट्स है, सभी को अधिकार है, उस खाने में सभी को मिलना चाहिए। अलग से अगर किसी को खाना बनाने की अनुमति यहां इसलिए नहीं दी जा सकती कि यह सरकार के बजट से किचन चलता है। अगर कोई ज्यादा अपने को महान मानता है, मानव में सर्वश्रेष्ठ मानता है, ऐसे मनवादी शक्तियों को मैं कहता हूं कि उनका अगर खाना स्पेशलाइजेशन अगर करना चाहते हैं, स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए किचन की व्यवस्था अलग करने के लिए क्या करना होगा, अपने घरों से बजट लाना पड़ेगा। सरकारी बजट से आप असमानतावादी व्यवस्था को निर्मिति नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने हॉस्टल में जो दोहरे किचन की सिस्टम थे उन्होंने बंद करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने आंदोलन कर दिया। आज मैं जानना चाहता हूं किसी भी पार्टी में सरकार में कोई हो तो साथियों आज इस्तीफा देना नहीं चाहता, कोई इस्तीफा देना चाहता है? लेकिन उन्होंने कांग्रेस को लात मारा और लात मारने के बाद उन्होंने स्पेशल एक पार्टी का निर्माण किया और आज तक दक्षिण भारत में सबसे स्थापित पार्टी और उनकी विचारधारा है जिसके आज वारिस के तौर पे स्टालिन दिखाई दे रहे हैं आपको। स्टालिन जी का जब स्टेटमेंट आया कि जितने भी मंदिर बने हुए हैं सरकार की जमीन पे, वहां पे सारे के सारे जमीनों पे हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ये कहां से आई विचारधारा? ये विचारधारा ऐसे ही महापुरुष से आई। तो साथियों इसलिए वो महापुरुष है, इसलिए हम लोगों ने उनके जन्मोत्सव के अवसर पे बहुजन मुक्ति पार्टी ये संकल्प लेती है, अगर वास्तव में हम लोग देश के प्रदेश की हुकूमत में आते हैं तो सारे जगह जीएस लैंड पे जितने जगह बने हुए हैं, अवैध मठ हो कुछ भी हो, वहां पे सार्वजनिक चीजें बनेगी जो सभी के जीवन के लिए कल्याणकारी हो।
तो साथियों इसलिए हम लोगों ने ये बात रखी। और अगर आप कहते हैं तो ये कहने के लिए भी साहस चाहिए, इसलिए सभी के पास साहस नहीं है। उसके पास साहस है या तो ईडी से नहीं डरता, या सीबीआई से नहीं डरता, सीआईडी से नहीं डरता, चूंकि लुटेरे खजाने के बदमाश लोग नहीं है। हम लोग कोई खजाना सरकार का लूटे नहीं, अवैध पूंजी न होने की वजह से हम लोग पूरे गट्स के साथ कर सकते हैं। ये बात अगर समाज की कोई लड़ाई वास्तविक लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे ही सही होना पड़ेगा, उसके चरित्र आचरण व्यवहार में परिवर्तन होगा तब वो समाज को कहेगा तो समाज बदलाव लाएगा। और अगर मैं कह रहा हूं दिन भर प्रवचन दूं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जब रात में आप लोगों से मुलाकात हो तो मैं खुद ही शराब के नशे में गिर जाऊं चौराहे पे, तो दूसरे दिन मेरी बात कोई मानेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम खुद ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो तब दो तक देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं, अन्यथा नहीं दिला सकते। नहीं तो बड़ी बड़ी भाषणें चलेंगी, वास्तव में जब चरित्र आचरण व्यवहार में जब देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। परिवर्तन 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 कहने से परिवर्तन नहीं होता है। आजादी 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 कहने से आजादी नहीं मिलती, बल्कि आजादी की बात करने वाले लोगों को, लोगों ने देश में हमारे भ्रम पैदा किया हुआ है। वो कैसे, देश हमारा वास्तव में आजाद हो गया है, भारतीय संविधान लागू है, इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा कोई भी बच्चा अगर चाहे जिद करे तो आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएफएस बन सकता है, साथियों सीवी सीआईडी में जा सकता है, आईजी बन सकता है, डीआईजी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। क्या ये गुलाम भारत में संभव था? नहीं। तो बात हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा देश आजाद है और देश के लोग आजाद हैं, लेकिन उनके आजादी का महत्व तो समझ में आना चाहिए, उनके राइट्स क्या है, उनके संवैधानिक अधिकार क्या है। अब भारतीय संविधान में आपको लिखा गया कि आप राजा बन जाइए, लेकिन जब राजा बनाने का समय आता है तो उस समय हमारे ही रिश्तेदार और नातेदार आते हैं बीच में, और जब आते हैं तो क्या करते हैं, तो बरसाती मेंढक के जैसा उनका व्यवहार होगा। मैं आपको बताता हूं, चुनाव के 3 महीने पहले सफेदी चढ़ जाती है, फोर व्हीलर से चलना शुरू हो जाते हैं। वो कब होता है, मात्र चुनाव के समय, उस समय आपको सारी सुविधा देने का वादा करेंगे। वो अब रिश्तेदारों के माध्यम से वोट को कलेक्ट करके ऐसे लोगों को देते हैं जो वास्तव में जो हमारे परछाई से भी नफरत करते हैं। अगर वो सरकार में जाएंगे तो क्या हमारा भला करेंगे, जो हमारे छूने मात्र से अपवित्र हो जाते हैं, उनके हाथ में सत्ता दे देते हैं साथियों, फिर उनका अत्याचार चरम पे पहुंच जाता है, फिर हमारे समाज में एक भ्रम पैदा होता है कि हम गुलाम हैं। तो मैं बैठी हुई जनता से कहना चाहता हूं, हम गुलाम नहीं हैं, खुद ही गुलामी को आत्मसात कर रहे हैं। ये देश का नागरिक 26 जनवरी 1950 के बाद से साथियों प्रत्येक भारत का नागरिक आजाद है। जब हम ये कहते हैं हम गुलाम हैं तो इसका मतलब हम भारतीय संविधान को नकार देते हैं, और भारतीय संविधान को नकार देना अपनी गुलामी के दस्तावेज पे सिग्नेचर करना होता है।
इसलिए आपको तो सीना तान के चलना चाहिए और कहना चाहिए हम आजाद हैं, हमारे पुरखे ने संविधान में हमें आजादी दे दिया, अब इस संविधान को लागू कैसे किया जाए, जैसे लोगों को भेजिए सदन में जो वास्तव में संविधान को लागू करने की बात करें। हमारे लोग कहते हैं, आंदोलन चलाते हैं, जातियां खत्म हो जानी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कोई ऐसी पॉइंट नहीं छोड़ी जो हमें करने लायक हो, लागू करने के लिए काम करना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 17 में लिखा कि आपके साथ कोई भी पशुवत व्यवहार नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं कर सकता, इसके लिए जिसके पास जानकारी है वो सवर्णों के खिलाफ मुकदमा कायम कर देता है अगर अछूतपन का व्यवहार करते हैं तो, और जिसको जानकारी नहीं है, जो संगठन से बाहर है, वो डेली पिटते हैं, अस्पृश्यता के शिकार होते हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, अगर फिर भी छुआछूत का व्यवहार होता है, अनुच्छेद 18 लिख दिया उन्होंने, अनुच्छेद 18 लिखा, कहा कि भारत के संविधान बनने के बाद टाइटल क्या लगेगी, टाइटल जो एकेडमिक एजुकेशन होगा या तो सैन्य एजुकेशन होगा वही लगेगा, जिससे जाति का बोध होता है, जिससे ऊंच नीच का बोध होता है, वो सारी डिग्रियों को शून्य कर दिया अनुच्छेद 18 में बाबा साहब अंबेडकर। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये बात कर दी लिखित में, लेकिन इस पे आज तक सदन में चर्चा नहीं हुई है। अगर इसका डिमांड किया जाए तो मिश्रा दुबे चौबे पाड़े भी खत्म हो जाएंगे, पासी धोबी कोरी खटिक भी खत्म हो जाएंगे, टाइटल रह जाएगी। और जब टाइटल नहीं रह जाएगी तो टाइटल देखने मात्र से जो करंट लगता है वो नहीं लगेगा। अनुच्छेद 19 लिखा बाबा साहब अंबेडकर ने, हमें बोलने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, बिना हथियार के आंदोलन करने का भी अधिकार है। ये सारी शक्तियां हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में ये बात लिखी कि प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है, भाषण करने का अधिकार है, संभाषण करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने का भी अधिकार है। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने लिख दिया, लेकिन दुर्भाग्य है साथियों, सदन में 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, 404 सांसद थे, पार्लियामेंट सदस्य कितने थे उनके, तो पार्लियामेंट में साथियों 404 थे, और 404 जिसके पास थे उन्होंने एक कानून बनाया, 52वां संशोधन करके दल बदल विधेयक बनाया, दल बदल विधेयक बनाया। 1985 से पहले हमारे विरोध में बहुत सारे कानून नहीं बने, 1985 के बाद बने साथियों, तो इस संविधान के इस जो उन्होंने संशोधन किया संविधान में, 52वां संविधान में बनाया उन्होंने, 52वां संशोधन में दल बदल विधेयक। अब वो क्या है ये आपको मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज कहां उठाएगा, सदन में। जनता की आवाज सदन में उठाएगा, लेकिन साथियों इस कानून के तहत क्या हो गया, जनप्रतिनिधि दल प्रतिनिधि में तब्दील हो गया। अगर सांसद और विधायक पार्टी के विरोध में बोलता है तो साथियों उसके ऊपर भी जारी होता है और उसे बोलने का अधिकार समाप्त कर दिया गया।
डायरेक्ट जनता का अधिकार समाप्त करना कठिन है, तो उन्होंने जनता के चुने प्रतिनिधि का अधिकार समाप्त कर दिया। और हमारा आदमी कहता है नहीं, कुछ नहीं है, हमारे प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है, लेकिन नागरिकों के जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को बोलने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये हमारी गुलामी का मूल कारण है। अभी आपको फिर क्या करना होगा? तो साथियों, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, दल प्रतिनिधि को जन प्रतिनिधि में फिर से रूपांतरित किया जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? बैल अच्छे हैं, बैल तो अच्छे हैं और हर भी बढ़िया लगा है, किसान भी बढ़िया लगा है, लेकिन बैल के सारे पैर बंधे हैं, बैल चलेगा? तो पहले तो बैल को आजाद कराना पड़ेगा। ये बैल कौन है? ये वर्तमान के जो सांसद और विधायक हैं साथियों, ये बैल हैं। और ये बैलों ने क्या किया? खुद ही बंधवाने का आर्डर पास किया। आपने सुना होगा, एक हम लोग हिंदी में पढ़ते थे कि कालिदास थे, जिस पेड़ पे बैठे थे, कौन थे वो, उसी को काट रहे थे। और कहां से काट रहे थे? डाल पे इस तरफ बैठे हैं, जो डाल पेड़ से लगा है उस तरफ काट रहे थे। तो डाल अगर उस तरफ से काटी जाएगी, तो डाल जब टूट के गिरेगा, तो आदमी का हित होगा या अनहित होगा? हाथ पैर जब टूट गया तो चिल्ला रहे हो कि अरे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तब अब चिल्ला क्या रहे हैं? आपने देखा पूर्व के राष्ट्रपति, अभी तो कोविंद साहब को आपने देखा, तो कोविंद साहब को एक मंदिर में जाने नहीं दिया गया, और जबकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उन्होंने भी चिल्लाया एक आध कभी कभी स्टेटमेंट दे देते थे। और जब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ भी हुआ, तो अखिलेश यादव जी के साथ भी हुआ, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी के मूर्खता पे हंसी आई उस समय, तो अखिलेश यादव की। क्यों? उनके पार्टी पे दल बदल विधेयक तो लागू नहीं होता, वो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अपने पार्टी के सभी नेता को अगर ये आंदोलन करने के लिए अगर कह देते, सदन बंद कर देते, तो जन समर्थन मिलता या घट जाता? बढ़ जाता। और इतना बढ़ता कि जो सरकार बनते बनते रह गई, वो सरकार बन जाती। तो साथियों, सही समय पे अगर सही चोट नहीं मारा जाएगा, तो ये समस्याएं आएगी। और बहुजन मुक्ति पार्टी के संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं, बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के हित और कल्याण के लिए काम करेगा, लेकिन हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, लेकिन जब देश का मसला आएगा तो पार्टी सेकेंडरी और देश हमारा पहले नंबर पे होगा। जब देश की मर्यादा की बात आएगी, तो बहुजन मुक्ति पार्टी पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए काम करेगी। इतना आपके माइंड में जिस दिन होगा, उस दिन आपको पार्टी के बायलाज में हम लोगों ने लिखा है। कुछ गधे कहते हैं कि समर्थन कर देते हैं, मैं कह रहा हूं पार्टी का बायलाज नहीं पढ़ा उन्होंने, पार्टी का बायलाज पढ़ो, उससे ऊपर उठो। जब राष्ट्र के असमत की बात आए, तो साथियों उस समय सारे हथियार जायज हो जाएंगे। इसलिए आपको ये बात कहना चाहता हूं, ये लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा गया है कि कल हो सकता है 10, 20, 50, 100 दल के लोगों को इकट्ठा एक मंच पे लाना पड़े, तो उस समय पार्टी का वर्कर्स ही विद्रोह कर दे
कि ये सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी के लीडरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो कहना चाहता हूं, देश के हित की बात अगर आएगी तो हम लोग समाजवादी पार्टी से भी बात करेंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी बात करेंगे, आरजेडी से भी बात करेंगे, जदयू से भी बात करेंगे। देश इस समय संकट में है, सबसे बात किया जाना जरूरी है। तो देश की परिस्थितियां बहुत विषम हो चुकी है, इसलिए बात आप लोगों को कान खोल के सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों का समर्थन हम लोग नहीं कर सकते जो हमारे परछाई से नफरत करते हैं, जो हमारे पानी के घड़ा छूने से हमारे बच्चे की हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध और नाता नहीं है। अगर उनके बिहेवियर नहीं बदल सकते तो हमारा समर्थन भी उनके ऊपर नहीं है। क्या उन्होंने व्यवहार चेंज कर दिया? जब व्यवहार उन्होंने नहीं चेंज किया, उनके आचरण व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो देश की अखंडता को बार बार खत्म करना चाहते हैं, देश को युद्ध के मैदान में झोंकना चाहते हैं, ऐसे नालायकों को बंदोबस्त करने की जरूरत है सबको मिलकर। ये कभी सुधरने वाले नहीं है। पुराने लोग एक कहावत कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करना चाहो सीधा नहीं होता है। ये सीधे कैसे होंगे? आपकी हुकूमत अगर टॉप टू बॉटम हो जाए, ऊपर से नीचे तक आपके हाथ में लीडरशिप हो जाए तो होगा। संविधान में लिखा हुआ है कि पूंजी का संचय एकीकरण नहीं किया जा सकता, पूंजी का एकीकरण करने की अनुमति नहीं देता भारतीय संविधान कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा पूंजी संकलन कर ले कि राष्ट्र से ज्यादा उसके पास पूंजी हो जाए। पूंजीपतियों को भी रोकने का काम संविधान करता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कौन ऐसा सोच रहा है। अभी देखा है आपने गौतम अडानी जी का कितना हो गया, अभी दुनिया के तीसरे पूंजीपति हो गए, अभी फिर प्रेजेंट में दूसरे पे पहुंच गए साथियों। और अगर यही तरीका रहा तो आगे हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जब भारत देश में कोयला 3000 रुपए टन के हिसाब से अवेलेबल है घर में अपने, यानी देश में, लेकिन इन्होंने क्या किया, मोदी सरकार ने कहा 10% प्रत्येक राज्य विदेश से कोयला खरीदेगा। ये कहते हैं हम देसी है, हम राष्ट्रवादी है। मैं तो इस मंच से कहना चाहता हूं, तुम एक भी बीजेपी भाजपाई लोग राष्ट्रवादी नहीं हो, आप राष्ट्रद्रोही हो। मैं सिद्ध कर रहा हूं, अगर मैं सिद्ध नहीं करूंगा तो यही वीडियो इतनी कट करेंगे, कहेंगे इनके खिलाफ FIR करो। मैं कैसे कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं, आपको समझने की जरूरत है। 3000 अगर टन में यहां कोयला अवेलेबल है तो योगी सरकार ने साथ इसके लिए 20,000 टन का कोयला विदेश से ले आने की अनुमति दी। तो सरकार का पैसा कितना गया साथियों? 6 3 18 7 3 21, लगभग 7 गुना देश की पूंजी विदेश में दिया। और विदेश में क्यों दिया ये जानने के लिए आपको जानना होगा, ये विदेश की जो कंपनी है वो अडानी एंड कंपनी है, इसलिए जो अभी तक 14वें स्थान पे था अभी दूसरे स्थान पे पहुंच गया। तो देश की पूंजी को एकीकरण करने का संविधान विरोध करता है, लेकिन दुर्भाग्य है कोई नेता हमारा पढ़ता नहीं है, कोई समझता नहीं है। और अगर समझ लिया तो वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया, इसलिए वो कोई बोलता नहीं।
और जब सही बात जनता को पता ही नहीं होगी तो जनता किसी भी बात का समर्थन करती ही नहीं। ये स्थितियां आपको ये भी नहीं पता होगा कि 10 लाख करोड़ रुपया सरकार ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया और 5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने जो लिया हुआ कर्ज था उसके ब्याज को माफ कर दिया। और हमारा आदमी अगर 5 किलो अनाज लेता है देता है तो बड़ा 5 किलो बहुत हो गया। हम तो ये कह रहे हैं सारी योजना बंद कर दो, ये राशन की योजना बंद कर दो, ये किसान को 2000 रुपया जो दे रहे हो ये भी योजना बंद कर दो। तुम हम कहते हैं हम प्रतिनिधि मंडल बना देते हैं, जितना पूंजीपतियों का माफ किया नरेंद्र मोदी जी सर में आनी चाहिए आपको, 15 लाख करोड़ रुपया हमको दे दो, हम अपना बंदोबस्त खुद ही कर लेंगे। और 15 लाख करोड़ रुपया अगर आ जाए तो क्या होगा साथियों, देश की आधी गरीबी हम दूर कर सकते हैं एक झटके में, आधे लोगों को देश की को हम रोजगार दे सकते हैं। लेकिन ये नेता बताने की जरूरत नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पहले ये लोग क्या करते हैं, खजाना खोल देते, खजाने के दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं भाई साहब जितना लूटना है लूट लो आप भी हमें भी, और ये लूट के फंस जाते हैं। उसके बाद बार बार सीबीआई ईडी। अभी केजरीवाल जी ने कहा अग्निवीर योजना का सब विरोध किया पहले केजरीवाल ने, और अभी जब सीबीआई और ईडी की ट्रेप पड़ना शुरू हुई मनीष सिसोदिया के ऊपर और केजरीवाल भी भ्रष्टाचार में शामिल है, तब उन्होंने कहा ईडी नाम क्या ये वैकेंसी जो भी खाली चल रही है इसको भरो क्या? तो कहा नहीं नहीं नहीं, हम आपके अग्निवीर का समर्थन कर रहे हैं। तो केजरीवाल को लोग क्या सोचते हैं कि केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, तो साथ 10% एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं करते बजट को? ये नौटंकी है, एक से कहते हैं कहावत है खजूर से गिरा तो कहां, आसमान से गिरा तो खजूर में लटक गया। अगर बीजेपी कांग्रेस से छूट जाए कोई तो आम आदमी पार्टी लपेट ले, ये है योजना। अब क्या हो गया है साथियों, आपने अभी तक तो देश की ऐसी दुर्दशा नहीं सुनी होगी कि बेटा अभी बाप नौकरी करता रहेगा, अब बेटा रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा। पहले किसको रिटायर होना चाहिए? बाप को। लेकिन अजब का कानून गजब का कानून बना दिया, अब अग्निवीर पहले रिटायर हो जाएंगे। पहले लोग कहते थे कि ये सरकारी सेवा करके रिटायरमेंट होके आए हैं, इनका स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए। अब अग्निवीर की सेवा करके जो आएंगे 4-5 साल के अंदर, तो उनका रिटायरमेंट का स्वागत होगा? नहीं ना। अब कोई नौकरी करके आएगा फिर वो कहेंगे जाओ सब्जी उगाओ, सब्जी उगाने की कला भी खत्म, हल जोतने की कला भी खत्म, अब सब कुछ खत्म, अब वो पेंशन के आधार पर जीविका चलने वाली नहीं है। शिक्षा उन्होंने महंगा कर दिया। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे छात्र संगठन के लोगों ने बड़ा आंदोलन अभी कर रहे, 400 गुना ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है। अब जब फीस बढ़ा दोगे 400 गुना तो क्या होगा? तो साथियों 2 करोड़ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया पैसे के अभाव में। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे,
दो करोड़ नौकरी उन्होंने नहीं दिया बल्कि 22 करोड़ नौकरियां छीन लिया। अगर ये बात आप गांव गांव चर्चा करना शुरू कर दोगे ये हवा में उड़ जाएगा। एक गैस सिलेंडर की योजना थी, सबसे ज्यादा ये माताएं और बहनों को जानने की जरूरत है। हमारी माताएं क्या हुए भावुक हो जाती है। नरेंद्र मोदी बहुत कलाकार आदमी है, कैसे कला, झूठ बोलने में तो इतना कलाकार आदमी है। जब नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं तो उनका जो सलाहकार होता है, सचिव होता है, वाईएस होता है, वाईएस सोचता है मेरा जीके कमजोर है या प्रधानमंत्री का जीके कमजोर है, तो इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये उज्ज्वला गैस योजना लाए थे, क्यों लाए थे जानकारी आपको फिर मैं बता दे रहा हूं, लगातार मैं बताता रहता हूं फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ये उज्ज्वला योजना इसलिए लाए थे, पहले महिलाओं को भावुक किया, इतना भावुक किया कि महिला पुरुष में झगड़ा लगा दिया और कहता था जब टीवी पे आया नरेंद्र मोदी जी तो ये कहा जब माँ और बहनों को मैं गैस ऐसे लकड़ी पे खाना बनाते हुए देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है और इतना रोना आ जाता है कि मेरे कपड़े भीग जाते हैं, बताइए। तो माँ बहन हमारी सोचे कि अरे ये तो हमारे लिए रो रहा है, ये हमारे लिए अगर रो रहा है तो हम इसे वोट भी नहीं दे सकते, तो वोट दे दिया। जब वोट दे दिया तो क्यों दिया था सिलेंडर ये जान लो, इसके पीछे भी महाघोटाला था। कोई भी काम बीजेपी सरकार घोटाले के बगैर नहीं करती, पहले भ्रष्टाचार की योजना बनाती है उसके बाद योजना बनाती है। तो गैस सिलेंडर जो स्मार्ट सिटी बने वहां पे पाइप का कनेक्शन चला गया, वहां गैस का सिलेंडर बॉटल नहीं रहता है, फिर क्या रहता है पाइपलाइन से गैस जाता है, उसमें मीटर लगे रहते हैं, जितना जलाओ उतना खाना बनाओ, जब मन करे बंद कर दो, जितना खाना बनाए रहोगे जितना गैस खर्च होगा उतना बिल जमा करना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा देखते हैं अब ये खाली सिलेंडर को क्या करें। तो ये तो जानते ही हैं कि वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो उन्होंने सोचा इसका भी बिजनेस कर लेते हैं, गरीबों के इमोशन से जुड़े हुए मामले को उठाया और महिलाएं एकदम ज्यादा एकदम इमोशन में डूब गई और उन्होंने वोट दिया। तो वहां से जब गैस सिलेंडर आया, अगर कबाड़ में बेचते तो 300 400 500 की बिकती, और अपने लोगों को बना दिया कि जाओ गैस के कनेक्शन के लिए फार्म भरो फ्री की है, 100 लिया 200 लिया 500 लिया, कोई 1000 दिया कोई 2000 ले लिया कमीशन, फ्री नहीं मिले लोगों को, ये सब उनके कार्यकर्ता लगे रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसमें एक चीज और उन्होंने कहा, जितने का ये बोतल है जितने में फ्रेश कनेक्शन होता है, तो उन्होंने कहा अब सब्सिडी डायरेक्ट मिलती थी अब खाते में आएगी। तो जब खाते में आई तो उन्होंने कहा उज्ज्वला गैस कनेक्शन से जो भी कनेक्शन लिया है उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिर पूछा अरे सब्सिडी क्यों नहीं मिलेगी, ये पूछने वाला कोई नहीं था, ये तो मैं ही अकेले आदमी हूं पूरे देश में चिल्लाता रहता हूं, मैं ये बात जरूर करता क्योंकि मुझे ये समझ में आए इसलिए बताता हूं। तो उसमें सब्सिडी को उसने तब तक उनका बंद रखा जब तक सबकी सब्सिडी बंद नहीं कर दिया। अब समझ में है, सब्सिडी उनका तब तक बंद रखा जब तक उस बोतल की कीमत उस गैस सिलेंडर की ब्याज सहित वसूल नहीं लिया। जब ब्याज सहित वसूल लिया, लोन के अमाउंट सारे भर लिए, उसके बाद कहा अब बस खत्म, कहा अब सब्सिडी नहीं मिले किसी को। तो पहले उनकी सब्सिडी बंद थी तो हम हंस रहे थे, अब हमारी सब्सिडी जब बंद हो गई तो वो हंस रहे हैं। अब समझ में, हमें पहले जूते से पीटा,
तो वो हंस रहे थे, उनको जब पीटा वो हंस रहे थे। अब 15 लाख भी अकाउंट में अभी तक नहीं आए, दूसरी सरकार हमने बना दिया। तो अब चिंता ना करो, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं और मजबूती से उसकी सरकार बना दो। अब कह रहे हैं 15 लाख कुल मिला के 100-200 जब लाख हो जाएगा तो आपको इकट्ठा ब्याज सहित दे देंगे। तो अब क्या बीजेपी को वोट दोगे? नहीं ना, देना है। हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी कह रहे हैं राशन भी बंद, तो अब सिर्फ भाषण सुनना है, वो भी मन की बात। और आपके मन की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है उसमें, चैनल पे आएगा मन की बात। लेकिन पूछो किसके मन की बात? न गरीबों की मन की बात, न मजलूमों की मन की बात, न बेसहारों की मन की बात, न विधवाओं की मन की बात। फिर मन की बात किसके? नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। तो बात भाई साहब सुनते भी नहीं, बहुत लोग कहते हैं साला हमेशा ऐसे ही चलता रहता है मन की बात। हमारे मन का कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे मन का नहीं हो रहा है, अपने मन की सुना रहे हैं। हमारा मन था कि हम भी जहाज पर चढ़ेंगे, इसने कहा, इस आदमी ने कहा, जिसके पांव में चप्पल है उसका हमारा हृदय की इच्छा है क्या हवाई जहाज से चले। तो लॉकडाउन जब किया तो हवाई जहाज वाले कहां चले गए? चप्पल जो थे वो भी टूट गए। तो नरेंद्र मोदी जी का कुछ सहारा नहीं है। किसी दिन कहेंगे आपको कि भाई साहब आप पति पत्नी आइए, आपको विशेष अवसर दिया जाएगा, लंदन का टूर कराया जाएगा और इटली का टूर कराया जाएगा, अमेरिका का, और जाइए पता लगा कि पत्नी ही गायब हो जाए, इतना झूठा है, इसलिए इसके बातों पर यकीन और विश्वास ना करिएगा। कोई काम आज तक किया नहीं इन्होंने, जितना कहा किया नहीं, अब करने वाले नहीं है साथियों। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा? अब दूसरी बात मैं आपको विषय वस्तु की बात बताता हूं। बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग सरकार में ले जाना चाहते हैं, इसकी योजना क्या है मैं आपको बताता हूं। सारे के सारे राजनीतिक पार्टियां विरासत में नेतृत्व ट्रांसफर कर देती हैं, और अगर कोई एक बार मुख्यमंत्री बने, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, आखिरी सांस उसकी हो, पूछिए अब नहीं मैं ही बनूंगा, चाहे आखिरी सांस शपथ में ही चला जाए। हाँ, होता है ना, आखिरी सांस तक कहता नहीं, नहीं शपथ लेंगे, चाहे शपथ में ही सांस टूट जाए, लेकिन शपथ हम ही लेंगे। तो साथियों, जाति से ऊपर उठ के हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्षेत्र से भी ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, और जो बातें जो कह रहा है उसके पास भूमि में उसके पीछे की भूमिका को समझना पड़ेगा। सही है या गलत है बात, आपको जिस दिन समझ लिए तो बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आ जाएगी। जैसे ये इसीलिए कह रहा हूं, अभी हम लोगों के पास समय है, और अगर ऐसे ही चलेगा तो 27 तक प्रत्येक बूथ पे 250 लोग हम लोग वोट में तब्दील करेंगे, और 250 लोग अगर वोट दे दिए तो कोई सीट ऐसी नहीं होगी कि जहां जीतने की स्थिति नहीं होगी। इसके प्लान पे अब हम लोग काम करेंगे, और 3 महीने के बाद रूटीन बाई कार्यक्रम अब लगेंगे विधानसभा वार, और विधानसभा की ट्रेनिंग करते ही ये डायरेक्ट जो है बूथों तक मामला फैल जाएगा, और जो हमारी विचारधारा से सहमत होगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी की राजनीतिक पार्टियां, उनके साथ हम गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते लोगों के हित में जो निर्णय लिया जाए उसका समर्थन करो। तो इसलिए साथियों हम लोग ये करना चाहते हैं, और बहुत सारी बातें अभी हम यही कह देंगे तो जो हम कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के बात करना चाहते हैं वो साथियों नहीं होगा। इसलिए मैं इस मौके पे इतनी ही बात करना चाहता हूँ, आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के क्षेत्रीय सम्मेलन में आए, इसलिए सबका हम धन्यवाद देते हैं।
और आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के विचारों से जुड़ेंगे और पार्टी को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भारत, जय संविधान।